करियर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी के जीवन की सफलता और असफलता उस करियर पर निर्भर करती है जिसे वह अपनी आजीविका कमाने के लिए चुनता है। कभी कभी कुछ लोगों की कुंडली में विभिन्न योगों के गठन के कारण अध्ययन के कुछ क्षेत्र सफल नहीं हो सकते हैं। करियर के चुनाव को निर्धारित करने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में विदेशों से संपर्क आसान हो गया है। यह वैश्वीकरण का युग है जहां संचार और पहुंच अब कोई चुनौती नहीं है। हवाई मार्ग अधिक विकसित हो गए हैं जिससे एक से दूसरे तक यात्रा करना आसान हो गया है। नतीजतन महत्वाकांक्षी पायलटों और एयर होस्टेस के लिए करियर के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अच्छे वेतन पैकेज और विदेश यात्रा के पर्याप्त अवसरों ने इस करियर को युवाओं के बीच सबसे पसंदीदा करियर विकल्प बना दिया है। पायलट उच्च प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं जिनकी नौकरी विमानन उद्योग में सबसे अधिक ग्लैमरस और रोमांचक होती है। इस नौकरी के लिए एक गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इसे सबसे साहसिक करियर में से एक माना जाता है। विमानन में करियर कई लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि यह दुनिया भर में यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। एक वाणिज्यिक पायलट की नौकरी उसे उसके द्वारा उड़ाए जाने वाले विमान और उसके यात्रियों के जीवन के लिए जिम्मेदार बनाती है। एक वाणिज्यिक पायलट का काम अत्यधिक विशिष्ट होता है जिसके लिए हवाई नेविगेशन का ज्ञान, मौसम संबंधी रिपोर्टों की व्याख्या, परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक नियंत्रणों के संचालन, प्रतिकूल परिस्थितियों में विमान का नेतृत्व करने और जलवायु और अन्य के तहत उड़ान चालक दल और यात्रियों के लिए एक नेता होने की आवश्यकता होती है। आपातकालीन क्षण कुंडली में विभिन्न योग हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि जातक को अधिकतम सफलता के लिए कौन सा करियर क्षेत्र चुनना चाहिए। कुछ ऐसे योग हैं जो जातक की रुचि को पायलट और एयर होस्टेस की नौकरियों की ओर मोड़ते हैं। ये योग अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करते हुए उम्मीदवारों के लिए कार्यों को आसान बना सकते हैं। जन्म कुंडली के विश्लेषण से पायलट के रूप में किसी व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करना आसान हो जाता है। आइए कुछ संबंधित योगों पर एक नजर डालते हैं। पायलट बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के पास अच्छी बुद्धि, सतर्क दिमाग और ढेर सारा साहस होना चाहिए। हवाई जहाज को अच्छी तरह से उड़ाने के पीछे के विज्ञान को समझने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। कुंडली में लग्न, कर्म भाव, अष्टम और द्वादश भाव का अध्ययन एक पायलट के रूप में जातक की सफलता को निर्धारित करता है। यदि शुक्र पंचम भाव के स्वामी या भाग्य के स्वामी के साथ संबंध बनाते समय कर्म भाव पर कोई प्रभाव डालता है और मंगल भी उसी समय लग्न या कर्म भाव के साथ संबंध बनाता है तो भी जातक अपने करियर के रूप में एक पायलट बनना चुन सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पंखों के बिना कोई उड़ान नहीं है। पायलट उड़ान में एक विशेष आनंद लेते हैं और लोगों को आकाश में यात्रा को बचाने में मदद करते हैं, लेकिन वे उन लोगों की सुरक्षा के संरक्षक हैं जिन्हें वे अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे लगातार बेचैनी और चिंता में रहते हैं। राहु और चंद्रमा की युति कुंडली में हवा में उड़ान के लिए प्राथमिक निर्णायक कारक है। मंगल मानसिक शक्ति और तुरंत निर्णय लेने के कौशल की तरह एक ओ का प्रतीक है। ये प्रमुख गुण हैं जो पायलटों द्वारा हासिल किए जाने के लिए आवश्यक हैं, एक जोखिम भरे क्षणों के लिए जिनके लिए वे अक्सर अपने पेशेवर मोर्चे पर उजागर होते हैं। यदि आप अपने आप को एक तेज, ऊर्जावान, अच्छी तरह से गोल करने वाले व्यक्ति के रूप में ड्राइव के साथ मानते हैं और एक व्यावसायिक पायलट के रूप में अपना रास्ता बनाने के लिए तप और फिर विशेषज्ञ से अपनी कुंडली की जांच करें और अनुभवी ज्योतिषी एजे ओबेरॉय जो आपको बताएंगे कि क्या यह करियर आपके पक्ष में है।